आओ गांधी को ढूंढें, स्वराज एक्सप्रेस की मुहिम है जिसमें छत्तीसगढ़ में गांधी की सोच और विचारों से प्रभावित होकर काम करने वालों को पहचान कर उन्हें सम्मानित करना है। स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने 2 अक्टूबर से इस अभियान को शुरू किया। प्रदेश भर में गांधी से प्रेरित होकर समाज की बेहतरी में अपना जीवन खपाने वाले लोगों की प्रविष्टियां बुलाई हैं। इन प्रविष्टियों में से चयन का जिम्मा 5 गांधीवादियों की जीरी को दिया गया है। ये सदस्य हैं समाज सेवक गौतम बंदोपाध्याय, राजनीतिक शास्त्र की प्रोफेसर डॉक्टर अनुपमा सक्सेना, रिटायर्ड प्रोफेसर उषा रानी मिंज, डॉक्टर विक्रम सिंघल और श्रीमती जेबा असद। 5 सदस्यों ने आई प्रविष्टियों में से ऐसे लोगों को चुना जिनके काम और जीवन में गांधी की सबसे ज्यादा छाप नजर आती है। इसके लिए जूरी के सदस्यों के बीच कई महीनों तक मंथन चला। जूरी ने चयन के आधार पर ऐसे मूल्य तय किए जिन्हें लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये मूल्य थे धर्मनिरपेक्षता, बराबरी, सामाजिक सद्भाव, अहिंसा और प्रतिरोध। आओ गांधी को ढूंढो के पीछे स्वराज एक्सप्रेस की सोच है कि इन लोगों के योगदान से समाज वाकिफ हो सके और इन लोगों के काम से समाज को प्रेरणा मिले, समाज प्रेरित हो। तो भूपेश तिवारी 3 दशक से कोंडागांव में कारीगरों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने गांधी की नई तालीम को लेकर स्कूल खोला है। उन्होंने बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की है। वे पलायन, बाल विवाह और बाल मजदूरी रोकने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम भी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। कोंडागांव के रहने वाले भूपेश तिवारी 3 दशकों से बस्तर के लोगों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वे 10,000 से ज्यादा कारीगर परिवारों को प्रशिक्षित कर उन्हें बैंक और सरकार की योजनाओं से जोड़कर माली तौर पर मजबूत बना रहे हैं। उन्होंने इन कारीगरों को ट्रेनिंग दिलवाई, उन्हें नए औजारों से लैस करवाया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भूपेश तिवारी ने कई काम किए हैं। उन्होंने मोटरसाइकिल एम्बुलेंस की शुरुआत की। गांव में अब तक 20 बाइक एम्बुलेंस सुकमा, कवर्धा, बलरामपुर, नारायणपुर में चल रहे हैं। आदिवासी अंचल की गर्भवती माताओं की डिलीवरी हॉस्पिटल में हो, इसके लिए उनकी टीम नारायणपुर जिले में काम कर रही है। पर्यावरण की दृष्टि से बिना सीमेंट और लोहे के लो कॉस्ट हाउसिंग तकनीक का विकास भी उन्होंने किया है। इस तकनीक से कई स्कूल, आंगनबाड़ी की बिल्डिंगें बनाई गई। पलायन, बाल विवाह और बाल मजदूरी रोकने के लिए 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर उन्होंने शुरू कराया। गांधी के विचारों से ओतप्रोत 16 साल पहले नई तालीम विद्यालय को शुरू किया। जो गांधी जी की जो मूल भावना थी कि ग्राम स्वराज की स्थापना करना, गांव में लोगों को रोजगार मिले, लोगों का गांव से पलायन ना हो, तो इसमें काफी गांधी विचार का बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और भूपेश जी के पास जो है कि उनके पास तो टीम लीडर की क्षमता है, लोगों को मैनेज करना, अपने संस्थागत काम को सारे महत्वपूर्ण ढंग से करना, और गांधी विचार के साथ में काफी अच्छा प्रयास करते हैं। इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद 1988 में भूपेश तिवारी बस्तर आ गए। अपने 2 और मित्रों के साथ साथी संस्था शुरू किया। भूपेश तिवारी गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा पर विश्वास करते हुए लगातार गांव को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भूपेश तिवारी समाज के हर तबके के लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए संकल्पित है। एक तरफ आप शहरों में बड़ी बड़ी सुविधाओं की और बड़ी बड़ी इसकी बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप जाके देखोगे कि 75 साल के बाद भी गांव के अंदर में छोटे थोड़ा इंटीरियर जाओगे तो वहाँ पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधा भी लोगों को नाले के बगल में गड्ढा खोद के करनी पड़ रही है। तो इसके बारे में कौन सोचेगा? सरकारों को सोचना पड़ेगा, सरकार को अपना डिलीवरी मैकेनिज्म सुधारना पड़ेगा जिससे लोगों को सेवाएं मिले, लोगों को सुविधाएं मिले। तो शायद ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और उस कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो हिंसा है वो शायद थोड़ी नियंत्रित हो पाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में